शादी कब है भाई? भाभी का वीजा लग गया भाई। शादी मेरी 23 अप्रैल में, उसके बाद ही वीजा लगवाना है। भाई एंगेजमेंट की पार्टी, आ जाओ भाई घर आ जाओ, ले लो पार्टी। राम राम उज्जवल। भाई वो अंकल कितना चार्ज करते हैं? वो अंकल भाई 125 यूरो लेंगे आपसे 6 क्लास के। मामा क्या हो रहा है बेटा, तू तो रिप्लाई भी ना करता है, तू तो भूल जा बस, इंडिया जाके सब पराया सा हो गया, पहाड़ों की वो भेज रहा है फोटो। मेरी कमर भाई, घर नहीं मिल रहा। CMG2 आयरलैंड इन जनवरी। भाई जनवरी का पता नहीं, अभी मेरे पास एक बेड खाली है, अगर किसी को चाहिए तो मेरे को मैसेज कर दो। मामा किसका रिप्लाई नहीं किया भाई? भाई तेरे को मैंने या तो व्हाट्सएप पे करा या मैंने इंस्टा पे करा, मुझे याद नहीं है भाई। फैमिली मैन बन गया भाई, फैमिली मैन तो मैं बहुत पहले से हूँ यार। हेलो भाभी कहाँ है? भाभी यहाँ थोड़ी है, भाभी तो इंडिया में है। आपका कोई मैसेज नहीं आया मामा? तो भैया पता नहीं, मैंने भंड भंड होकर कर दिया होगा, फिर मुझे याद नहीं है, फिर मैं पूरा कर पाया नहीं कर पाया। भाई कहाँ पे रहते हो आप? डबलिन में। मैं भाई डबलिन 15 में रहता हूँ। योर वीडियो रियली मोटिवेटेड मी टू कम टू आयरलैंड, थैंक यू सो मच। भाई ज्यादा मोटिवेट मत हो जाना। हमें मरना है, आपके रिप्लाई ना करूं। अच्छा हमें मरना है ना भाई, ऐसी बात ना यार। मैंने कि मैं चढ़ावा चढ़वाता तेरे से, तूने मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो करा नहीं होगा मैसेज। थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस ब्रो, ऑल द बेस्ट फॉर जर्नी, थैंक यू वेरी मच। लव द लेटेस्ट पोस्ट का कीप पुटिंग। भाई एक और आ रहा है, वो बैचलर्स के लिए आ रहा है, वो भी अच्छा है काफी, मतलब अंडर एज लोगों के लिए जो 18 साल से कम है। भाई फुल लाइसेंस मिल गया क्या आपको? नहीं भाई मेरी फरवरी की डेट है, मेरा टेस्ट फैम में है, पता नहीं मैं दूंगा भी नहीं दूंगा, पता नहीं कुछ अभी। भाई CTC कितना है? भाई CTC मेरा यार 40 के अराउंड है, अब लगा लो साहब, मतलब कट फिट के हाथ में यार 20% टैक्स काट लेना। अभी स्टार्टिंग है यार, बिना वीजा के तो जॉब भी मिल गई बहुत है मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग की ठीक ठाक हालत है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा। भाई कितने करोड़ अंदर कर लिए अभी? कहाँ यार, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। टेस्ट सेंटर कहाँ लिया? मैंने अभी डाला भाई कहाँ पे, मुलिंगर, उसके बाद चेंज करूंगा मैं। IDP लेके आए तो विल आई बी एबल टू ड्राइव? हाँ भाई चला सकते हो, लेकिन काम करते हुए पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। भाई फॉर सिक्योरिटी जो, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप वी शुड डू आफ्टर कमिंग टू आइलैंड? भाई भाई सबसे पहले यू हैव टू टेक सिक्योरिटी क्लासेस। हम एजेंसी का नाम उस वीडियो में मैंने डाला है जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे को एजेंसी का नाम नहीं पता, तो यू शुड वॉच दैट वीडियो। और कहाँ पे है वो भी मैं नहीं बता सकता, कौन से मतलब सेकंड के अंदर है वो पार्ट,
तो या तो आप गूगल कर लेना कि सिक्योरिटी क्लासेस आयरलैंड, तो आपको पता लग जाएगा। मैं जानता उस नए पोस्ट कार्ड के बारे में। भाई तुम नहीं बनाया है, तुम नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा। भाई MBA इंडिया से करा है, जो मिल सकती है क्या वहाँ? नहीं यार, डायरेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है भाई। आयरलैंड में जॉब कैसे मिलेगी? आई नीड टू जॉब ब्रदर। भाई उसके लिए या तो आपको आना पड़ेगा या फिर जुगाड़ होनी चाहिए आपकी कुछ। मार्क वॉच लो, भाई ने बता दिया, मार्क वॉच से कर लो। उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी क्लासेस लेने के बाद आपको फिर सिक्योरिटी अप्लाई करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे को प्रोसेस याद नहीं है सही बताऊँ, 2 साल हो गए। तो देख लो यार। शादी मुबारक भाई, शादी अप्रैल में है। बाकी थैंक यू वेरी मच। गैलवे के कंपेरिजन डबलिन आना ज्यादा बेन यार, देखो 100-200 यूरो का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और आनंद वीरे कॉन्ग्रेचुलेशन, व्हाट डिड यू गेट द जॉब? मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग में करता हूँ मैं। शादी मुबारक, तब भी रहना ज्यादा है। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यार ऑस्ट्रेलिया में गया नहीं तो मैं तो डेफिनेटली आयरलैंड बोलूंगा। हाय भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड भाई। मिलो कभी डबलिन में? लास्ट टाइम टेस्को में मिले थे। ओहो, आप वही थे क्या जो मैं जब बियर लेके हाथ में घूम रहा था? कैन वी डू वर्क मोर देन 40 आवर्स स्टडी कम्प्लीट? हाँ भाई कर सकते हो आप। भूड अच्छी लग रही है, अभी लेके आया हूँ ड्रैगन बॉल जी वाली। पहले मेरे पे वो थी ऑरेंज कलर की। स्कूटर से डिलीवरी भी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी भाई, बहुत ही टफ है, मतलब बारिश वगैरह पड़ती है तो टफ है भाई। जो पहली दफा आ रहा है डब्लिन, तो शुरू वाला टाइम के लिए रहने क्या चक्कर है? भाई Airbnb या फिर आपको होटल बुक करना पड़ेगा 5-6 लोगों को मिलके, तो उससे क्या हो जाएगा आपका जो किराया है वो डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप वो कर सकते हो, क्या नाम है, टेम्पररी अकोमोडेशन ले सकते हो। 2 मिनट रुका ना, मसाले डालू जब दूंगा। उसके बाद क्या, एड्रेस भेजो, आऊं कभी खाना खाने। यार एड्रेस मैं भी चेंज करने वाला हूँ, मैं ना डलहरी शिफ्ट होने वाला हूँ, तो वहां का एड्रेस ले लेना मेरे से बाद में, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता वहां का एड्रेस क्या है। हनी पार्क है बस इतना पता है। अभी तो मैं वैसे D15 में रह रहा हूँ, बट मैं प्रोबेबली 29 से शिफ्ट हो जाऊंगा जहां तक है। भाई लर्नर परमिट और क्या रहना होगा गार्डा से सेफ रहने? भाई देखो, गार्डा से सेफ रहने में भाई अगर आपका फुल लाइसेंस है तो आप कुछ भी कर लो, तो आप काम भी कर लोगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे रिस्क लेके कर रहे हो, वैसा पकड़ा तो कोई नहीं जाता, लेकिन फिर भी तो भाई उनके हाथ में, वो क्या करेंगे। टूरिस्ट वीजा टू कन्वर्ट वर्क वीजा पॉसिबल है क्या ब्रदर? भाई ऐसा बंदा मुझे कोई मिला नहीं है, बाकी यार पता नहीं यार, कुछ भी हो सकता है, देखो किस्मत है। भाई क्या बना रहे हो? कचौरी? नहीं भाई, मैं सुबह के लिए खाना बना रहा हूँ, फिर सुबह उठ के जाना पड़ता है 7 बजे। मुझे चाहिए ये, ले लियो भाई जब मैं आऊँगा अप्रैल में। भाई PR मिल गई क्या आपको? नहीं भाई, होपफुली मिल जाए, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा, 2 साल और लग जाएंगी जहाँ तक है। प्रोसेस चालू है ब्रो, वहाँ पर मोटर बाइक ले सकते हैं हम लोग, ट्रैवलिंग थोड़ा। भाई मोटर बाइक के लिए भी आपको लर्निंग टेस्ट पास करना पड़ेगा भाई। आज नहीं है क्या? नहीं यार, डेली थोड़ी करते हैं यार, तो कभी कभार का वो है भाई। एल ड्राइविंग पे अच्छी जॉब मिल सकती है क्या? नहीं, लर्निंग पे कोई नहीं देगा आपको, बहुत रेयर चांस है, मतलब कैश पे दे देगा लेकिन वैसे कोई नहीं देगा। अरे मेरे घर आओ कभी खाना खाने, ऐसे ही चलो भाई, आएंगे आएंगे, चिंता मत करो। थोड़ा वो हो जाए यार, मकान के चक्कर में जरूर भागने दौड़ हो रही है भाई। सर्दी इंक होगी, समझ नहीं आया यार।
ब्रो कहाँ पे कर रहे हो जॉब, कौन सी कंपनी? भाई मैं कर रहा हूँ मॉन्क्स टाउन में, बस कंपनी का नाम नहीं बता सकता फिर मैं भी, क्योंकि यहाँ पे भैया बहुत रेस्ट्रिक्शन होती है चीज़ों की। Airbnb बुक करवा कर लेटर ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगा? हाँ भाई हो जाता है, स्टार्टिंग में सब ऐसे ही करते हैं। शादी करके भाभी कहाँ लेकर आ रहा है? भाई यही लेकर आएंगे यार, और कहाँ। व्हाट आर यू कुकिंग नाउ ब्रो? भाई कुछ नहीं, भुर्जी बना रहा हूँ अंडों की, पनीर की। ब्रदर इजली जॉब कौन सी मिल सकती है आयरलैंड में आपके नज़र में? भाई ऐसे कोई इजली जॉब नहीं है यार, सब किस्मत वाली बात है यार, अपनी फील्ड में मिल सकती है, मतलब अगर आप होशियार हो तो। टैक्स परसेंटेज कंपेयर टू विंडो, टैक्स परसेंटेज अब आपका 2024 से 42,000 पे होने वाला 20%, उसके ऊपर 40%, तो अब लगा लो यार अपने आप। इंडिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टैक्स है यार, अरे इंडिया में 30 है मेरे ख्याल से। हाँ अकेला बना रहा है ना इसलिए। भाई अभी शादी नहीं हुई यार, अभी सगाई हुई है मोहित भाई, बुलाएंगे यार, चिंता क्यों कर रहे हो भाई। कैन योर वाइफ वर्क देयर ऑन योर वीजा? यस भाई, क्योंकि मेरा जो स्टैम्प है वो क्रिटिकल स्किल है, तो मेरे बिहाफ पे कर सकते हो अराउंड 35%। हाँ तो यहाँ पे भाई 20% है मिनिमम, मतलब 42,000 से नीचे। यस ओवरऑल गुड भाई। भाई मैंने लर्नर लेना है तो मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ भाई कर सकते हो लर्नर के लिए। जोशिंग अराउंड की वीडियो है भाई, पूरा उन्होंने बता रखा है, खुल के उनकी वीडियो देख लो, मैंने भी उनकी वीडियो देख के ही सारा कुछ करा था, उन्होंने पूरा ढंग से समझा रखा है चीज़ों को। Which spices are most required from India? भाई nothing यार, you have to find, like you have find anything in India, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आपको लाने की। लर्नर ले लिया है मैंने, पास कर लिया है, लेकिन कब अप्लाई कर सकता हूँ मैं फुल के लिए? भाई अगर आपके पास क्लास लेनी होती है, मैं बता तो रहा हूँ, जोशिंग अराउंड की वीडियो देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने भी वहीं से देख के करा था, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, उनकी वीडियो है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, पूरी देख लो भाई। नेक्स्ट वीडियो आईआरपी का प्रोसेस बताना। आईआरपी का प्रोसेस यार बहुत सिंपल है यार, मैंने बना तो रखी है स्टार्टिंग में, आगे आपको क्या करना पड़ता है भाई। अभी मैं रह रहा हूँ डबलिन 15। लेकिन अभी क्या बना रहे हो चाचा? आ जा, पनीर की भुर्जी बना रहा हूँ सुबह के लिए, सैंडविचों में भर के ले जाऊंगा फिर। हम तो भैया वेज वाले वेजिटेरियन हैं। मिल्स इफ अ पर्सन इज डायबिटिक व्हाट कैन ही डू अकॉर्डिंग टू आयरलैंड? डज अ पर्सन गेट्स अ गुड केयर? यार देखो इन चीजों का आइडिया नहीं है, बट आपको पहले यहाँ पे आके जीपी करवाना पड़ता है, आपको उसको बताना पड़ेगा आपको ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो मे भी कुछ हो सकता है मेरे को। देखो सही में आईडिया नहीं, तो मैं गलत राय नहीं दूंगा इस बारे में। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, शादी हो गई। भाई अभी सगाई हुई है यार, वो शादी जैसी लग रही है शादी अप्रैल में है भाई। मंजी खत्म होने के बाद कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या वीजा के लिए? हाँ भाई हो सकता है, इलीगल रह लो यार। देखो जुगाड़ आपको निकालने पड़ते हैं, सबकी लाइफ अलग चलती है यहाँ पे। अब मुझे ऐसी चीजों की जरूरत पड़ी नहीं टच वुड, तो मेरे को नहीं आइडिया। जीपी मीन्स ब्रो थैंक्स इन एडवांस। जीपी मीन्स भाई जैसे मतलब डॉक्टर का छोटा रूप होता है यहाँ पे, पहले आपको वो आके कंसल्ट, आपको वहाँ के कंसल्ट करना, मतलब आपको परमानेंट अपना एक घर का डॉक्टर बनाना पड़ता है, मतलब जब भी आप किस कुछ होगा आपको उसके पास जाना पड़ेगा, वो आपको फिर रिकमेंड करेगा हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ करके। भाई जीपी मीन्स
भाई लोन कहाँ से करवाया था और आपका कंसल्टेंट कौन था? भाई मैंने लोन तो बहुत कम लिया था, 5.5 लाख का लोन है मेरा, तो मैंने तो गवर्नमेंट बैंक से लिया था। और मेरा कंसल्टेंट भाई फ्रीलांसर है, मैं आपको पर्सनल मैसेज दे दूंगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं दे दूंगा आपको नंबर। हाँ भाई इलीगली रह सकते, झूठ क्यों बोलना यार। क्या बना रहा है? कुछ नहीं भाई, बस पनीर की भुर्जी बना रहे हैं सुबह के लिए, बन गई अब तो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रेनकोट लाना पड़ेगा, अम्ब्रेला? वैसे तो यहाँ हर सब चीज मिलती है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए लेके आना तो थोड़ा सही रहेगा आपके लिए भी। यहाँ पे आके कहाँ ढूंढोगे स्टार्टिंग में? विच इज इम्पोर्टेंट, वो यार अम्ब्रेला यहाँ पे कामयाब नहीं है क्योंकि हवा बहुत चलती है यहाँ पे। भाई मीटअप कब करोगे? भाई मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर थोड़ी हूँ मीटअप करूंगा, घर आ जाओ कभी भी। हेलो, सर्दियों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सर्दियों के लिए भाई दारू रम ये इम्पोर्टेंट है जो तुम सुनना चाह रहे हो। सो रेनकोट इट इज, या रेनकोट इज वेरी इम्पोर्टेंट भाई, लेके ही आओ, मतलब यहाँ के कहाँ ढूंढोगे यार। शिवम जी मेरी, ये क्या है भाई शिवम जी मेरी? कौन सी कंपनी में जॉब करते हो भाई? कंपनी का नाम नहीं बता सकता मैं, सॉरी। गरम मसाला डालना मत भूलना ब्रो। नहीं नहीं भाई नहीं भूलेंगे यार, 5 बजे उठना पड़ता है उधर वर्क के लिए। यार डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कितने बजे है, मेरे को 7 बजे ट्रेन पकड़नी पड़ती है, इसलिए मैं घर चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। तो मैं अब अपनी जॉब से सिर्फ 2 मिनट वॉक पे रहता हूँ, मतलब अब जो नया जाऊँगा मैं। सब्जी में नमक डाल देना, डल गया भाई, सब्जी बन गई, सब कुछ बन गया भाई। I am resigning from government organization. Let's hope for the best. भाई देख लो यार, इसका तो कोई कुछ कह नहीं सकता, देखो आपकी किस्मत आपका डिसीजन। 7474 यार। भाई AIB लोन डिक्लाइन कर रहा है बार बार, रीजन बता रहा है क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं करके। तो भाई अभी तुम आप नए आए होगे ना आप अभी, इसलिए आपका डिक्लाइन कर रहा है वो। लेट्स जॉइन यू देयर। ओके ब्रो सैफी अभिषेक, डोंट। DBS में बैचलर करना IT के लिए स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? DBS में बैचलर्स के लिए भाई फीस मेरे ख्याल से, देखो स्टेटमेंट का यार सही बताऊं मुझे आइडिया नहीं है, मैं ये क्वेश्चन पूछना भी भूल गया उन लड़कों से, मेरे को ध्यान नहीं रहा। बट फीस जो होती है मेरे ख्याल से 15-20 लाख होगी आपकी पर सेम मेरे ख्याल से, या 10 लाख होगी। तो आपको यहाँ रहने के लिए 10 लाख चाहिए होते हैं 1 साल के। क्रिकेट खिलवा दो यार किसी दिन। अरे कहाँ खिलवाएं सर क्रिकेट, हम खुद नहीं खेल पा रहे सर। भाई मैं वेयर हाउस में पार्ट टाइम कर रहा हूँ, वो ज्यादा टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। आपने भाई अभी जॉब रजिस्टर नहीं करी होगी, अभी आपको रेवेन्यू फोन करना होगा और अपनी जॉब रजिस्टर करवानी पड़ेगी। सेल्फ क्रिटिकल वीजा स्पॉन्सर का एक वीडियो बना दो। हाँ भाई ये पक्का बनाता हूँ क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्पॉन्सर किया है, ठीक है, मैं बनाता हूँ उसकी वीडियो। इफ आई जॉइन जनवरी इनटेक विच फ्लाइंग कंपनी इज द बेस्ट, भाई जोन सी मिल जाए, जोन सी सस्ती मिल जाए वो ले लो। माय ब्रदर गोन थ्रू तर्किस, हाँ तर्किस भी अच्छे यार। हेलो कुशवा भाई, 60,000 विच इज चीपर? चीपर कोई नहीं मिलेगी यार आपको जनवरी में, क्योंकि जैन में भाई मोस्टली बच्चे आते हैं ना, तो जैन में आपको नहीं मिलेगी चीपर, जैन में आपको सब एक्सपेंसिव मिलेंगी 60-70 के अराउंड। हेलो मैगी क्या हाल चाल, आपको कम से कम 60,000 की मिलेगी, जब मैं आया था मेरे को भी 58,000 की मिली थी। आई गोट इजिप्ट एयर फॉर 30K, वाह भाई क्या बात है। अब भाई ये भी बता दो कितना आपका ले ओवर है एक बार और कितना आपको वो मिला है सामान वगैरह। एनी एयरलाइन यू सजेस्ट द बेस्ट? भाई बेस्ट तो देखो इथियार्ड है, एमिरेट्स है, ब्रिटिश एयरवेज है, लुफ्तांजा है, अगर आपको टाइम सेव करना है तो, क्योंकि ये सारी फ्लाइट आपको 12 घंटे में ले आएंगे।
फ्रॉम मुंबई बट फॉर द एक्सपायरी डेट ऑफ स्टैम्प टू स्टैम्प बंजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, आपके पास ग्रेजुएशन का वो होना चाहिए ट्रांसक्रिप्ट या फिर आपके पास वो होना चाहिए क्या कहते हैं उसको, अरे यार मतलब पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए कुछ भी आपका, आपका रिजल्ट होना चाहिए। चीपर, यार चीपर का आइडिया नहीं है यार, अब भाई ने बताया इजिप्ट एयर है, लेकिन अब इनसे ये पूछ लो कि कितना है स्टॉप है। आई बुक द गोट फॉर 35 23 2 pieces and 1 stop सही है यार। देखो इन्होंने करवाई है, इनसे पूछ लो, मैगी ने करवाई है सॉरी, अच्छा माई ब्रदर गोट, अच्छा 35 23 2 pieces and 1 stop भाई पता नहीं कैसे मिल गई आप लोगों को। फ्रॉम दिल्ली लिखे 28 मैक्सिमम चीपर 28 जन मैक्सिमम चीपर 32 टर्किश 13 आवर फुल टाइम 13 किलोग्राम 8 किलोग्राम लो भाई ने बता दी। और पवन भाई क्या हालचाल, भाई सही है यार बहुत अच्छी मिल गई यार मेरे को तो। जितने भी फ्लाइट मिलती हैं मतलब मैं रिटर्न की करवाता हूँ, मेरे को 58-60,000 की पड़ती है। कुछ नहीं सर बस काट रहे टाइम। चलो यार पूछ लो फिर चलते हैं हम भी यार। कैन एनीथिंग गेट फ्रॉम इंडिया फॉर यू अंडर 100 ग्राम नो सर नो थैंक्स। हाँ सही है सेम यार लगे रहो। ऑल अदर फ्लाइट्स आर एवर 50K ओनली 18th जैन इजिप्ट इज फॉर 30K एज ऑफ नाउ। भाई मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने तो भाई बहुत कभी देखी नहीं है सब फ्लाइट। टर्किश का मुझे पता है बट इसका नहीं पता। इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया डू यू फाइंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ? ऑफ कोर्स भाई, मतलब आपके पास सैटरडे संडे पूरा होता है, आपको कोई जॉब के बाद कॉल नहीं करता, ये सब बहुत फ़र्क है। बट हाँ आप मिस करते हो अपने घर वालों को अगर आप थोड़ा इमोशनल हो तो। हेलो भाई पवन भैया, ओके थैंक्स फॉर द न्यूज़, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो अब चलते हैं यार।